हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू GDPT क्लासेस जोहार झारखंड में अदरवेज में। आज आपको फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल होता है उसको हम बेसिक से आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, और ये आपका डे वन है। यहाँ पे लिख देते हैं डे वन, ठीक है। ये आपको थंबनेल में भी मिल जाएगा, ठीक है। कितना नंबर क्लास है, ठीक है, क्लास नंबर वन या डे नंबर वन है, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग जो न्यूमेरिकल होता है, जो क्लास ट्वेल्व का न्यूमेरिकल होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एकदम स्टार्ट से लेकर जाएंगे, ठीक है, कि एकदम बेसिक से जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे समझना है और उसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, किसी वस्तु पर 6.4×10⁻¹ कूलम का धन आवेश पाया जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसमें 6.4×10⁻¹ कूलम का धन आवेश पाया जाता है, तो हमको ज्ञात करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। तो उसमें हमको ज्ञात करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगा या फिर अधिकता होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिया। अब दिमाग में हमको सोचना है, क्या सोचना है कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता बोला है, मतलब कि आवेश का क्वांटीकरण से लिया गया है, ठीक है। तो चलिए, आवेश का क्वांटीकरण का हम लोग पहले फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण बराबर क्या होता है, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई होता है, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है उसको लिखते, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर लिखेंगे दिया हुआ है कि दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है। क्यू बराबर दिया हुआ है 6.4×10⁻¹ ई का मान होता है 1.6, ठीक है, 10⁻¹ ये आपका कूलम में होता है। यहाँ पे निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी मैंने एन निकालना है, ठीक है। और इसका क्वांटीकरण से आगे ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। और एक को चीज यहाँ पे स्टार बना के लिख लीजिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो उसमें हम लोग धनात्मक लेंगे, अगर अधिकता होगा तो उसमें हम लोग ऋणात्मक लेंगे। ये लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी तो प्लस बी ई लेंगे, पॉजिटिव मतलब धनात्मक लेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर, इलेक्ट्रॉन की अधिकता माइनस बी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो हम लोग धनात्मक में लेंगे, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा तो ऋणात्मक में। ये आपको समझ में आ गया कि हाँ, अब इसका क्वांटीकरण से है, अगर इलेक्ट्रॉन का कमी होगा तो धनात्मक में, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा तो उसको हम लोग ऋणात्मक में लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। तो लिखेंगे, क्योंकि आवेश का क्वांटीकरण से, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण से, आवेश का क्वांटीकरण से क्या होता है, q बराबर प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे q का मान दिया हुआ है, n का मान नहीं दिया हुआ है, लेकिन e का मान भी दिया हुआ है, मतलब इसका मान और इसका मान दिया है, n निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे n बराबर q बट्टा e। Q का मान कितना दिया हुआ, 6.4×10⁻¹⁹ और यहाँ पे 1.6×10⁻¹⁹। ये वाला पॉइंट कट गया, यहाँ पे 16×4=64, ठीक है। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 10⁻¹⁹ और ये आपका 10⁻⁹ में जो -17 है, लेकिन जो आपको 10⁻ में -19 था, जब बट्टा के ऊपर में गया या बाई के ऊपर में गया तो क्या करते हैं, प्लस हो जाता है। जब ये प्लस हो गया, ठीक है, कैमरा में आ रहा है यहाँ तक तो ले रहा है, ठीक है, इसके बाद नहीं लेगा। फिर जब ये प्लस हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे 4×10⁻¹⁹ −17×10⁻¹⁹, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 4×10⁻¹⁹ −17+19 ये मल्टीप्लाई में है तो जुट जाता है, ठीक है, मैथ का रूल है, 10⁻²,
टू हो गया, तो यहाँ पे 400 आ गया। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपका 400 आ गया तो क्या होगा, देखिए 400 आया लेकिन किस में आया, प्लस में आया, तो लिखेंगे अतः अतः देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, धन आवेश दिया हुआ है, ये टर्म भी आपको याद रखना है। ठीक है, धन आवेश दिया हुआ है मैंने इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। ठीक है, अतः वस्तु पर धन आवेश दिया हुआ है। इसीलिए जब धन आवेश दिया हुआ रहता है तब क्या होता है, कमी होता है। इसीलिए कैमरा कितना दूर ले रहा है मेरा, नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे वाला नहीं टर्म नहीं ले रहा है। जैसे कि ऊपर वाला देख लिया ना, 400 आया ना, यहाँ पे लिख देते हैं, इधर ले रहा है कि ना, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, लिखेंगे अतः दिया हुआ है कि तब वस्तु पर धन आवेश दिया हुआ। इसीलिए जब धन आवेश दिया हुआ रहता है क्या होता है, कमी होता है। कितना इलेक्ट्रॉन कमी है, यहाँ पे 400 है, इसीलिए 400 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, ये आपका बन गया। ठीक, पहला नंबर आपका क्वेश्चन का आंसर बन गया कि इसमें आपका दिया हुआ था क्यू का मान दिया हुआ था और हमको एन का मान निकालना था, और ई का मान ही हमेशा होता ही है। ठीक है, 1.6 × 10⁻¹⁹। ठीक है, ई क्या जानते हैं, ई आपका मूल आवेश होता है, मूल आवेश मतलब आवेश का सबसे छोटा मान, मूल आवेश। ठीक है, चलिए ये आपको होता ही है, तो फिर उससे हम आवेश का क्वांटीकरण से क्या निकाल लिए, एन निकाल लिए, एन का मान 400 आया, तो क्या होगा, वस्तु पर धन आवेश दिया हुआ, इसलिए क्या हो गया, 400 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एक चालक पर 400 इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक चालक पर क्या है, 400 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें आवेश की मात्रा, इसमें आवेश की मात्रा तथा उसका प्रकृति निकालना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग निकाल के देखते हैं। सबसे पहले पता करेंगे ये भी क्वेश्चन कहाँ से दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपका आवेश का क्वांटीकरण से ही दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं, लिखेंगे सोल्यूशन। इसमें तो आप क्यू हमको निकालना है, क्योंकि आवेश की मात्रा मैंने क्यू निकालना है, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, यहाँ पे एन का मान दिया हुआ 400, ई का मान होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये आपका दिया हुआ है, तो लिखेंगे आवेश का क्वांटीकरण से, इसीलिए आवेश का क्वांटीकरण, उसका क्वांटीकरण से क्यू बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। ठीक है, एन ई होता है, तो एन का मान हमको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 400 × 1.6 × 10⁻¹⁹। 400 को हम लोग 4 × 10⁻²² लिख सकते हैं, 1.6 × 10⁻¹⁹। ठीक है, कैमरा में आ रहा है, चलिए फिर इसको गुना करेंगे, 16 को 4 से तो 6.4, 10⁻²² −19,
तो 6.4 इंटू 10 के पावर में माइनस 17 आ गया, ठीक है, लिखेंगे ये तो आपका एक आंसर हो गया, ठीक है, फिर लिखेंगे अतः चालक पर 400 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए चालक पर 400 इलेक्ट्रॉन की कमी है, चालक पर 400 इलेक्ट्रॉन कमी इसीलिए इसकी प्रकृति धनावेशित होगी, चंदा में आ रहे यहाँ तक, चलिए एकदम पूरा परफेक्ट आ गया, ठीक है। तो 400 इलेक्ट्रॉन की कमी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यही लिखे कि अतः चालक पर 400 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या हो गया, धनावेशित होगी, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी दे देते हैं, पहला एक बनाए अब दूसरा नंबर बनाए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 के पावर में माइनस 18 कूलम का ऋण आवेश दिया हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो गई, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके क्या बोलना चाहता है, ठीक है, एक चालक पर 2 ऋण आवेश दिया, मैंने यहाँ पे Q का मान दिया हुआ है, इसमें N का मान निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, फिर दिया हुआ है कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं गिवन डेट, क्या दिया हुआ है, क्या Q का मान दिया हुआ है 2.4 इंटू 10 के पावर में माइनस 18 कूलम, ठीक है, एंड इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, निकालना है, ई का मान दिया हुआ है, वो इट तो आपका होता है 1.6 इंटू 10 के पावर में माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए आवेश का क्वांटीकरण से क्यू बराबर क्या होता है प्लस माइनस एन ई, एन निकालना है तो क्यू बट्टा ई, क्यू का मान कितना दिया हुआ है 2.4 इंटू 10 के पावर में माइनस 18, ई का 1.6 इंटू 10 के पावर में माइनस 19, पॉइंट कटा 8 2 16, 8 3 24, तो 3/2 10 के पावर में माइनस 18, 10 के पावर में माइनस 19, तो 1.5 इंटू 10 के पावर में, ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गया, जब ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है, माइनस 18 प्लस 19, तो यहाँ पे कितना हो गया 1.5, ठीक है, और इंटू 10 जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया 15.0 हो गया, ठीक है। तो इसको पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है, अब कैमरा में ले रहा है क्या, नहीं आ रहा, ठीक है, जैसे इसको हम लोग यहाँ तक गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 और यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे क्या हो गया 15 आ गया सिर्फ, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है, तो सिर्फ 15 हो गया। तो लिखेंगे अतः यहीं पे लिख देते हैं अतः चालक पर ऋण आवेश दिया हुआ है, अतः चालक पर ऋण आवेश दिया हुआ है, इसीलिए देखिए ऋण आवेश दिया हुआ रहता तो क्या होता, अधिकता होगी, इसीलिए n बराबर 15 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, होगी
बढ़िया से लिखी देते हैं। तो देखिए चालक पर ऋण आवेश दिया हुआ है, उससे हमको प्रकृति भी मिल गई। जब ऋण आवेश दिया हुआ रहता है तो चालक में जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अधिकता होती है। ठीक है, चलिए आज को इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।